नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को आगाह किया और सभी स्कूलों को हर मुमकिन कदम उठाने के लिए और कोरोना का कोई भी नया मामला सामने आने पर तुरंत सूचना देने को कहा गया है। दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके के हैदरपुर में एक मां ने अपनी 3 महीने की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उनकी आपसी लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि एक मां ने अपनी 3 महीने की बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली के कई स्कूलों में ऐसे मामले देखे गए हैं जिनमें EWS कोटे की सीटें खाली होने के बावजूद छात्रों को दाखिला नहीं दिया जाता, लेकिन अब ऐसे स्कूलों की मान्यता पर तलवार लटकने लगी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी कर ये बताने के लिए कहा है कि आखिर क्यों ना उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाए। बीते कई दिनों से राजधानी दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अभिभावक सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए, जिसको देखते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने की बात कही है। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से छलांग लगाने वाली लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यात्रियों की सूचना के आधार पर CISF के जवानों ने उसे बचाने का प्रयास किया और कूदने पर उसे संभाला भी था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मुंडका विधानसभा के रानीखेड़ा और रसूलपुर गांव के अंतर्गत आने वाले 850 साल पुराने एक तालाब के सौंदर्यकरण के लिए भाजपा OBC मोर्चा के भारी जिला उपाध्यक्ष मोहित कुमार ने खंजावला DM ऑफिस जाकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पहले से ही विवादों में घिरे JNU में विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें कुछ लोगों ने JNU हॉस्टल के बाहर भगवा झंडे और पोस्टर लगा दिए, जिसमें भगवा JNU लिखा गया है। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही यमुना नदी में अमोनिया का स्तर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट की समस्याएं आने लगी हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार कई इलाकों में सप्लाई भी प्रभावित हुई है। डिजिटल ठगी का शिकार बने दिल्ली के व्यक्ति के अकाउंट से बीते साल 60,000 रुपए निकाले गए थे। एक साल से चक्कर लगा रहे व्यक्ति की शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। JNU में हुए बवाल को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में अगर झगड़े और गुंडागर्दी होगी तो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV।